Thank you, Sri Ajay Sanchedi. आज भाजपा को ठेकेदारों की आवश्यकता है, अच्छे व्यापारियों की जरूरत नहीं है। दो का तो हमारा हो गया, अब दो का होना बाकी है, किसका होगा पता नहीं। पत्थर रख के भाषण कर रहे हैं, मुझे बता रहे थे बिहार में। सर बिफोर आई स्टार्ट, सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी ने मुझे कहा, इसलिए मैं बताऊं कौन क्या सोचता है, कौन किसके साथ है पता नहीं। पहले जितना समर्थन था उससे चार गुना बढ़ा है, ये हमने आने अभी देखा है तुरंत में। किसका समर्थन किसका है, कहाँ आया है, इसका इंट्रोस्पेक्शन तो अब सभी को करना पड़ेगा। शुरू करिए। सर आज हम चार बिल इकट्ठे डिस्कस करने जा रहे हैं जिन्हें जीएसटी बिल कहा गया है। सर मैं बहुत गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि जिस दिन इस देश में जीएसटी लागू हो जाएगा वह दिन स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। Nobody can deny this and time will tell this। देश की आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए यह बिल एक गेम चेंजर के रूप में जाना जाएगा। सर देश के फेडरल स्ट्रक्चर में, संविधान में टैक्स कलेक्शन की जो सिस्टम है उसमें कुछ अधिकार केंद्र को कुछ राज्यों को दिए हैं। समय समय पर इसकी समीक्षा भी होती है, एक एपेक्स बॉडी बनाई गई है जो इसे आज तक रिव्यू करती आ रही है। जरूरत के हिसाब से हर सरकार ने इसमें बदलाव किए हैं, उसको सुधारा गया है, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन और उसका डिस्ट्रीब्यूशन केंद्र और राज्यों के बीच में कितना हो, कैसे हो, इस व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए 180% अगर टर्न करने वाला कोई विधायक है तो वो ये जीएसटी विधायक है। मैं इन बिलों को वास्तविकता में उतारने के लिए सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी को मन से बधाई देता हूं। सर वन कंट्री वन टैक्स की कल्पना को यथार्थ पर लाने के लिए यह एक बहुत बड़ा सफलतम कदम है। आपने ठीक कहा, जैसे सभी सम्माननीय सदस्यों ने कहा कि एक ही टैक्स होना चाहिए, लेकिन 60 साल 70 साल की आजादी के बाद में जो सिस्टम चलते आया ब्रिटिश टाइम से जो हमको मिला उसमें एक मेजर बदलाव करने का यह सब में बड़ा काम है। और मुझे विश्वास है जो टैक्स रिफॉर्म्स की हम लोग बात करते हैं आने वाले समय में हम देखेंगे इस देश में एक टैक्स रहेगा, क्योंकि उसकी सब में बड़ी पहल जो है ये जीएसटी के माध्यम से आज की जा रही है। सर हर व्यक्ति जो व्यापार करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है, टैक्स देता है, वो चाहता है मैं अपना काम करूं, टैक्स भी भरूं, लेकिन आज उसे कई टेबल टू टेबल धक्के खाने पड़ते हैं। करीब करीब 15 से 17 लोगों के पास उसे जाना पड़ता है, जो जीएसटी आने के बाद में उसको सिर्फ एक जगह जाना पड़ेगा। यह सच्चाई है, आप उठाकर देख लीजिए कहां पर कितने रिटर्न्स भरने के लिए कितने लोगों से मिलना पड़ता था, आज एक टैक्स हो जाने से सिर्फ एक जगह जाना पड़ेगा। सर जीएसटी क्यों ऐतिहासिक है? सर देश में केंद्र में एक सरकार होती है, एक पार्टी की या अलायंस की सरकार होती है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दरों की सरकारें होती हैं, जिनकी कार्य पद्धति, एजेंडा, सोच एक दूसरे से भिन्न होती है। ऐसे समय सभी राज्यों के मंत्रियों की काउंसिल बनाकर लगातार चर्चा कर शंकाओं का समाधान कर अच्छे सुझावों को स्वीकार कर, चाहे वो किसी भी पार्टी के मंत्री हो, विवादित थोड़े बहुत जो मुद्दे हैं उनको अलग रखकर सभी राज्यों ने केंद्र के साथ मिलकर यूनिफॉर्मली इन बिलों को बनाया और उसको आपके सामने पेश किया है। सर इसके लिए सभी राज्यों के मंत्री, सभी राज्य केंद्र सरकार बधाई की पात्र है। सर इस तरह का उदाहरण शायद ही इतिहास में हो। सम्माननीय प्रधानमंत्री जी, वित्त मंत्री जी, उनके सहयोगी मंत्री, मंत्रालय के अधिकारी, इन सभी को इस सक्सेस के लिए किए गए टायरलेस एफर्ट्स के लिए मैं बहुत बधाई देता हूं। सर इस बिल से क्या होगा, जब एक कोई साधारण आदमी पूछता है
ये जीएसटी बहुत टेक्निकल टर्म्स हो जाती है, साधारण आदमी पूछता है इसका मतलब क्या है। मैं अपना उदाहरण आपको देता हूं। जब मैं काम करता था उस समय मैंने एक गाड़ी खरीदी महाराष्ट्र में, उस पे जो टैक्स था 100 रुपए की गाड़ी पे टैक्स देने के बाद 110 रुपए में मिलती थी। मेरे अपने कंपनी का ऑफिस दूसरे स्टेट में भी था, वहां पर 5 रुपए टैक्स लगता था। मैंने 5 रुपए वहां भर के 105 रुपए में गाड़ी खरीद ली। इसका मतलब स्टेट में जो रेवेन्यू आना चाहिए गाड़ियां खरीदने के बाद में, वो दूसरे राज्यों में चले गया। इस प्रकार की व्यवस्था, ये एग्जाम्पल है, ये इस प्रकार के अनेक एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। सर इसका कारण क्या है? क्योंकि हर राज्य की अपनी सोच है, जरूरतें है, टैक्स प्लानिंग है, लेकिन जीएसटी इंप्लीमेंट होने के बाद आपको हर स्टेट में गुड्स की परचेसेस पर समान टैक्स देना पड़ेगा, यह एक सच्चाई है। सर इन स्मॉल वर्ड्स, ट्रीटमेंट टू कंज्यूमर एट पार इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेट और एनी गवर्नमेंट, यह जीएसटी का फाउंडेशन है। हम सबको इसको स्वीकार करना पड़ेगा। सर इस सरकार की जो मूल सोच है वो है भ्रष्टाचार, काले धन पर अंकुश लगाना, गरीबों का पैसा उन्हीं के डेवलपमेंट के लिए यूज हो, उस दिशा में उठाया गया। पहले डिमोनेटाइजेशन का कदम उठाया, आज जीएसटी का आपके सामने पेश किया गया है, और ये दोनों भी अभूतपूर्व निर्णय हैं। सर आने वाले समय में जब जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, सारी सरकारें, ये केंद्र की सरकार हो राज्यों की, ये देखेगी टैक्स कलेक्शन, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से यह एक कदम, एक मील का पत्थर साबित होगा। सर कोई माने या न माने, लेकिन यहां बैठे सभी दलों के सम्मानित साथी इस बात को जानते हैं कि गरीबों के अंतिम व्यक्ति के हित में निर्णय लेने के लिए यह सरकार, कठोर से कठोर निर्णय लेने के लिए यह सरकार पीछे नहीं हटती है, और जिसका समर्थन जैसा कि मैंने कहा जनता ने भरपूर किया है। इसके अनेक उदाहरण पिछले समय अगर आप देखें तो मिल सकते हैं। मैं पॉलिटिकल स्टेटमेंट में नहीं जाऊंगा क्योंकि सभी दलों ने इस बिल का समर्थन किया। सर अभी बिल्स के रूल्स फ्रेम होने बाकी है। राज्यों को भी जीएसटी को संवैधानिक दर्जा देने के लिए बिल को विधानसभा में पास करना है। इस सारे प्रोसेस के लिए केंद्र और राज्य दोनों के अधिकारियों को बहुत ज्यादा ट्रेंड करने की प्रोसेस ऑलरेडी चल रही है। मैंने एक जो डिपार्टमेंट की पुस्तक होती है जो एक्साइज और कस्टम्स डिपार्टमेंट ने बनाई थी, उसको पढ़ने का भी मुझे मौका मिला। उसमें मैंने देखा कि किस तरीके से उसके बारीकियों का अध्ययन अपने ही जो सक्षम अधिकारी है उनको फिर से कराया जा रहा है, और वो सारे अधिकारी राज्यों के अधिकारियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। इट्स ए वंडरफुल जॉब विच डिपार्टमेंट इज डूइंग, ताकि इंप्लीमेंटेशन जो है, एक ये इंप्लीमेंटेशन, ये ट्रांसफॉर्मेशन का इंप्लीमेंटेशन, ये एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, और इससे जूझने के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों को तत्पर रहना, तैयार रहना, उस दिशा में सारे कदम उठाए जा रहे हैं। सर मुझे इस उच्च सदन की इस बिल को बनाने वाली सिलेक्ट कमेटी में हमारे मित्र सम्मान्य भूपेंद्र यादव जी के नेतृत्व में और सभी सम्मानित पार्टी के आनंद शर्मा जी, डेरेक ओब्रायन, प्रफुल्ल भाई, इन सबके साथ में काम करने का इस बिल को बनाने के लिए मौका मिला। सर मैं बिना किसी हेजिटेशन के कहना चाहूंगी, उस कमिटी में जो एटमॉस्फेयर था वो इतना स्पोर्टिंग था। सभी दलों के सदस्यों ने खूब पार्टिसिपेट किया और पॉजिटिव स्पिरिट के साथ में यूनानिमस रिपोर्ट्स पेश की। ऐसा भी नहीं था उसके अंदर में कि हम लोगों ने अगर डिसेंट दिया है तो भाई रिकॉर्ड कर लीजिए और उसके बाद, बिल्कुल ऐसा नहीं था। थोड़े बहुत मुद्दों पर मतभेद थे, उसको डिटेल डिस्कशन के बाद में यूनानिमसली उसे एक्सेप्ट किया गया। उसके लिए मैं सभी दलों के सम्मानित सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। पार्डन, नहीं डिसेंट था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं था, लेकिन मोर और लेस सब लोगों का ना ठीक है, बोलने दीजिए। कोई बात नहीं, जब ये इंप्लीमेंट हो जाएगा तो दिस विल बी द मोस्ट डिसेंट स्टेप बाय द गवर्नमेंट। सर अभी जीएसटी की क्या दरें रहेगी, किन वस्तुओं के लिए क्या दर रहेगी, इसकी अभी दरें तय होना बाकी है, लेकिन मुझे विश्वास है कि केंद्र सरकार जीएसटी काउंसिल के साथ मिलकर ऐसी दरें तय करेगी जिससे
सामान्य व्यक्ति की जरूरत की चीज है, छोटे व्यापारी का हित, वेल्थ क्रिएटर इंडस्ट्री के हितों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। सर, मेरी नजरों में जीएसटी का मतलब अगर हम लोग दो दो लाइन में देखना शुरू करें तो क्या है? सर, नंबर वन, हैसल फ्री इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन सिस्टम, क्लियर कट डिवीजन ऑफ सेंटर एंड स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज एज फार एज इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन इज कंसर्न्ड, एम्पावरिंग जीएसटी काउंसिल एज सुप्रीम अथॉरिटी फॉर एनी डिस्प्यूट मीन्स प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट इंटरेस्ट, नेक्स्ट, कीपिंग सम आइटम्स आउट ऑफ परव्यू ऑफ दिस बिल्स एज ऑफ नाउ, दैट मीन्स कीपिंग स्टेट्स इंटरेस्ट प्रोटेक्टेड। ऐसा नहीं है कि केंद्र ने अपनी सोच उन पर लाद दी है, कई विषयों के ऊपर कहा गया कि कुछ प्रोडक्ट्स उससे बाहर रखे गए हैं। सर, इतने दलों की सरकारें होती हैं, सब जगह इकट्ठे बैठकर हर चीज में, हर स्टेट को लगता है हमारा रेवेन्यू कहीं से आएगा, कहीं से चला जाएगा। अभी सम्मान्य दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि कुछ चीजों को इससे बाहर रख दिया हमने। सर, जहां आपकी भी सरकारें हैं वहां भी उन चीजों का काम हो रहा है, अभी वो भी खुद नहीं चाहती थी कि आज वो इसमें इंक्लूड हो जाए, बट निश्चित है ये कदम शुरुआत हो चुकी है, आने वाले समय में ये भी चीजें इवॉल्व होंगी। और मुझे विश्वास है एक दिन ऐसा जरूर आएगा जिस दिन कोई भी प्रोडक्ट जिस दिन रेवेन्यू सबको मिलने लग जाएगा बराबर, उस दिन सारे प्रोडक्ट जो है वो इस बिल के अंदर आ जाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, सब में बड़ी चीज, कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द रेवेन्यू लॉस ऑफ एनी स्टेट गवर्नमेंट इफ एनी। अगर किसी सरकार का राजस्व का नुकसान होता है, तमिलनाडु मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, पंजाब मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, महाराष्ट्र जहां से मैं आता हूं वो भी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, लेकिन एक नेशनल इंटरेस्ट में सभी दलों ने इसका समर्थन किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आज थोड़ा नुकसान होगा, लेकिन नुकसान उनका नोशनल है, पेपर पे है, उसकी भरपाई जो है वो केंद्र करने वाला है, इसलिए उनका लॉस कुछ भी नहीं हो रहा है, आने वाले समय में उनको जितना पैसा मिलता था उससे ज्यादा ही मिलेगा। सर, सब में इंपॉर्टेंट चीज, इससे करप्शन फ्री एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस कम्युनिटी डेवलप होगा। जितनी टैक्स, जितने टेबल कम होते जाते हैं उतना भ्रष्टाचार कम होता है। ठीक है, कभी लगता है हमको कि टैक्स टेररिज्म बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, मैं आपको बताता हूं, जितनी टैक्स अथॉरिटी टैक्स कलेक्शन वालों के पास जाएगी, जितना सिंप्लीफिकेशन रिफॉर्म्स में होगा उतना लोगों की बोलने की भी ताकत बढ़ जाएगी, और कोई मजाल नहीं है टैक्स अथॉरिटीज की कि उनसे गलत पैसा कलेक्ट कर सके वो, क्योंकि जब हम अपना काम सही रूप से करने लगेंगे तो हमारे पास में हम ताकत के साथ बोल सकेंगे कि आई एम सॉरी, वी आर नॉट रेडी टू सकम बिफोर दिस करप्शन, क्योंकि हम अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। इसलिए इसकी बहुत, टैक्स टेररिज्म बढ़ेगा इसकी कोई बहुत चिंता करने की मुझे आवश्यकता नजर नहीं आती है। सर, इसमें एक सब में बड़ी बात होगी कि सारे स्टेट्स को एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिलेगा बिजनेस करने के लिए, कॉम्पिटिशन इससे जो है वो फेयर होगी। नहीं तो आज यहां इस स्टेट में कुछ टैक्स है, इसके कारण यहां का व्यापारी बेनिफिट उठाता है, दूसरे स्टेट में वही कम है, वहां वो आदमी कम काम कर पाता है, ये भी कहीं ना कहीं इसके लिए आज एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड जो अवेलेबल करने की बात थी जीएसटी इंप्लीमेंट होने से वो भी मिल जाएगा। सर, मेक इन इंडिया का जो कंसेप्ट इस सरकार ने लाया है, प्रधानमंत्री जी का कहना था कि मेड इन इंडिया जो है उससे बड़ा है मेक इन इंडिया, छोटे नहीं बड़े स्तर के ऊपर में सब चीज हमारे यहां बननी चाहिए। हम किसी चीज को इंपोर्ट करते हैं, उनका कहना है भाई जिससे इंपोर्ट करते हैं उसी को ले आओ यहां मैन्युफैक्चरिंग वो शुरू कर दे, ताकि यहां के लोगों को रोजगार हो और हमारा रेवेन्यू हमारे ही पास रहे, फॉरेक्स के रूप में बाहर ना जाए, उसके लिए भी ये एक बहुत बड़ी स्टेप होगी। सर, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे ही जीएसटी इंप्लीमेंट होगा, सर मैं पूरी विश्वास के साथ कहता हूं आने वाले समय में इनडायरेक्ट टैक्सेस का कलेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। इसमें जितने भी लूप होल्स हैं उसको प्लग किया जाएगा और वो निश्चित रूप से बढ़ेगा। इसका फायदा यह होगा कि केंद्र और राज्यों को जो आज पैसा मिल रहा है उससे दोनों को ज्यादा पैसा अपने अपने हिसाब से जो डिवीजन है उस हिसाब से मिलेगा, और प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विविध कल्याणकारी योजनाओं के लिए, उद्योग के बढ़ावे में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए, शिक्षा को और प्रगति बढ़ाने के लिए, महिलाओं और पिछड़ों की
भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए डेवलपमेंट में ये सारा पैसा जो है वो जो ज्यादा रेवेन्यू आएगा वो इसी में खर्च होगा, उसी से एक डेवलप समाज का निर्माण होगा। सर, इन बिलों को सिलेक्ट कमिटी ने, जीएसटी काउंसिल ने सर्वसम्मति से पास किया। एक भी पार्टी ऐसी नहीं थी जो उसमें, जितने भी लोगों ने रिप्रेजेंट किया काउंसिल में और यहाँ पे। इसलिए मैं अंत में सम्मानित इस सदन के सभी सम्मानित बैठे हुए सदस्यों से आह्वान करता हूं कि इसे सर्वसम्मति से पास कर पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर लोकहित के लिए लाए गए इस बिल का समर्थन करें और इस देश के विकास में वो भी भागीदार बने। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।